सब मुंबई से ना आप लोग? अरे बाबा क्या बात है, आप लोग तो जानते हैं मुंबई में फ्लैट खरीदना कितना मुश्किल है। अर्चना जी ने तो हंस हंस के कितने फ्लैट खरीद लिए। सच्ची में इधर तो लोगों का रोना निकल जाता है मालूम है। और एक आदमी की तो एक मिनट रोने की आवाज भी किधर से आ रही थी। खैर ठोको छोड़ो जाने दो। खैर अर्चना जी मैं एक बात बताऊं आप लोग को, वो कप्पू का भाई है ना चप्पू हाँ, उसके साथ में नया धंधा खोले लाए, जोरदार ताली हो जाए, बुजुर्ग खलीफा बिल्डर। अभी हम लोग क्या है मुंबई में सबको सस्ता सस्ता फ्लैट देंगे। हाँ। तभी मैं फ्लैट बेचना चालू करती है। वेरी गुड। 1 BHK 2 BHK 3 BHK सी व्यू डी व्यू बी व्यू सी व्यू ए फ्लैट ले लो रे, अपना सब कुछ बेच के फ्लैट ले लो, ए ले लो रे ले लो। सपना कैसे हैं? आज दिवाली है? नहीं तो जगमग जगमग क्यों हो रही है? सामने देख पटाखे की दुकान रखे लिए तूने। ओह माय गॉड। हेलो हेलो हेलो। हाँ सहजा बिल्डर। हाँ मैंने चुपराय से बात कर ली है। हाँ और अगर चुस्तम जी ने टांग उड़ाई हाँ तो मैं थडानी को बोल के टांगे तोड़वा दूंगा। गाली किसको दे दे मेरे को? तो मेरे को बता तो सही, मेरे को दे रहे, मेरे को लगी नहीं। ओह यस शट अप। अरे भैया जी पैसा 500 रुपया दे दो। हम नहीं, आप हमको देंगे ना? हम आपको क्यों देंगे, काहे को देंगे? अरे पूरे रास्ते रिक्शा तू चलाता है, मेरे को इतना सा भी नहीं चलाने दिया। पैसे किस बात के? सही बोलते हैं। अरे भैया जी रिक्शा हमारा है तो आप काहे चलाएंगे? तो पैसा हमारा है तुमको काहे देंगे? भैया जी सीधा सीधा हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। धमकी किसको दे रहा है? तोरी भैंसिया का पूछ उखाड़ू मैं। हैं क्या धमकी दे रहे हैं? पैसा पैसा कितना पैसा हुआ तेरा? 500 रुपया। 500 रुपया। अच्छा इधर 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट हम लोग बेच रहे, तू 1 स्क्वायर फीट रख ले, 500 माइनस 9,500 निकाल। अरे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ओ, 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 ओ। एक तो पैसा नहीं ऊपर से रिक्शा चला रहा है। पर पैसा नहीं है इसीलिए तू रिक्शा चला रहे हैं भाई। अच्छा मतलब पैसा होता तो रिक्शा नहीं चलाते, आलसी कहीं के। सही बोले। चलो निकलो यहाँ से, चलो अपना रिक्शा चलाओ, हमें अपना रिक्शा चलाने दो, भाग इधर से चल। हाय चप्पू कैसे? अरे सुनना चप्पू, क्या वो सनकिया बिल्डर है ना अपने पालघर वाले? हाँ। उधर तू पैसा डाल रहे ना बिल्डिंग बना रहे, उधर मैं भी शेयर होल्डर बनेगी है। ए बल्ब होल्डर जैसे मुंह वाली औरत, तेरे को हर जगह शेयर चाहिए, चल भाग यहाँ से। तू और तेरा भाई जो है कप्पू। हाँ। उन्होंने मुंह पे PhD किए ले क्या? तो बहुत अच्छा बोलते, इसका मुंह उसके जैसा, उसका मुंह उसके जैसा, बहुत मजे आते है मेरे को। हेलो ये मेरे पल्लू। हाय हाय। यस ये बुजुर्ग खलीफा बिल्डर यही है? नहीं अभी जवान है, थोड़े साल बाद होएगा बुजुर्ग। एक बात बताइए, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। एक तो दो औरतें इकट्ठी हो जाती तो बातें करना नहीं छोड़ती। कर लो बातें, आ जाओ चलो जाओ। कस्टमर रे कस्टमर रे कप्पू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? आने में कोई तकलीफ तो नहीं है? नो myself Sapna, I'm the representative, yeah, and he's the MD of the company. एक मिनट, तू क्या है? Representative. ठीक है. And he's the MD of the company. Okay. And that's Archana ji. Okay. इनका भी शेयर है? इनकी तो कुर्सी भी नहीं है. तो कुर्सी किसकी है? जिसका शेयर है. तो शेयर किसका है? राहत साहब का. कहते हैं कि ये इश्क नहीं आस्था, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और जबरदस्ती बैठे रहना, उठना नहीं। एक मिनट भाई साहब, ये शेर गालिब जी का है,
होएगा? मेरे को तो राहत साहब ने सुनाया था, उनको सिद्धू जी ने सुनाया था, ये एक दूसरे का सुनाते रहते, मिले हुए हैं। अच्छा तो एक काम करो, मुझे सिद्धू जी वाला सुनाओ ना शेर। ए, तो इधर शेर सुनने के लिए आया है क्या? हाँ सर, यू आर अवर कस्टमर सर। या सर आइए, फीता काटेंगे मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, व्हाई नॉट, हम काटेंगे। या आइए सर। हमको खुद ही कैंची लेनी पड़ी। चलो कुछ तो कर रही हैं आप। थैंक यू। वाह वाह वाह, मुबारक हो। थैंक यू, मुबारक हो। लाइए कस्टमर, ले आओ 1051 निकालिए। मतलब 1051 रुपए चाहिए आपको? ये मेरे को हिंदी में नहीं बोलना आता है। हाँ यही 1051 रुपीस दे दो। लेकिन फीता काटने के पैसे कौन लेता है यार? शादियों में जाते हो तो फीता काटते हो, सालियां पैसे नहीं मांगती। हाँ तो फिर, पर तुम मेरी साली तो नहीं हो यार। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है अब बताओ? जीजा जी जीजा जी जीजा जी, अब बताओ। अरे क्या कर रहे है चप्पू? क्या जेंडर के हिसाब से मैं साली है? हाँ जीजा जी जीजा जी जीजा जी जी जी, हाय जा शगुन तो दो साली को। शगुन साली को? हाँ ठीक है, घर आके लेना। मैं घर पे क्यों आऊँ? अरे साली आधी घरवाली होती है, घर में आओगी थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेंगे। कब तक घर में मजाक करता रहेगा, कभी बाहर भी गया कर? ये बेवकूफ लोग। चलो हमें नहीं प्लेट लेना, चलो चलते। चल झूठा कहीं का, रोज फोन करता मेरे को, ले लो ले लो, अभी कहता है चलते चलते। एक मिनट, इन्होंने फोन किया होगा, मैंने कब किया? तो करो ना, कब करोगी? जब मैं किसी और का फोन उठा लूंगा। देखो फोन और शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तेरी शादी होगी तो फोन नहीं कर पाएगी, और अगर फोन कर लिया शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट, इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना तो मैं तेरे को फोन करके बता देगी, ठीक है? 6 महीने से मेरे को भी समझ में नहीं आता है क्या क्या बोलते हैं, इसका फैमिली कैसे जाने दो। हाँ एक मिनट, फ्लैट तो हम ले लेंगे। हाँ आपने पहले कोई बिल्डिंग बनाई है? शाहरुख खान की बिल्डिंग देखी है? देखी है। अमिताभ बच्चन की देखी है? देखी है। शत्रुघ्न सिन्हा की? देखी है। काम करने के लिए आया है कि बिल्डिंग देखने के लिए आया है इधर? मेरे को पक्का ये कोरियर वाला लगता है जो बिल्डिंग देखता रहता है इधर उधर खाली पॉकेट में। हेलो, हाँ मुकेश, मेरे बॉस का फोन आया है, मैं उनसे बात करती, आप डील क्रैक कर दो। हाँ बोल कुतरिया। हाँ ठीक है। कलिलिक कलिलिक कलिलिक, उसका पिलिलिक है मेरा, कलिलिक कलिलिक। हेलो ओबामा सर, दो फ्लैट बुक कर दूं? दो फ्लैट, ओके। कलर क्या रखना है? हल्का बैंगनी, ओके। पंखा ऊपर रखना है कि नीचे? अच्छा, टॉयलेट वेस्टर्न या इंडियन? ओके। गेट रखना है कि सुरंग? ओके ठीक है। ओबामा गॉड, मतलब ओबामा ने यहाँ दो फ्लैट बुक किए? ये तो कुछ भी नहीं, रमेश यादव ने भी लिए। रमेश यादव, ये कौन है? होएगा कोई अरे गहरे बड़े आते रहते थे फालतू लोग, मेरे को क्या पता। आप लोगों को फ्लैट लेना, जल्दी जल्दी ले लो, दिवाली का सीजन आ रहा है, फिर नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूँ। अरे दिवाली तो अक्टूबर में है, अभी तो आम का सीजन है। वैसे तो सुपर डांसर का भी सीजन चल रहा है, और जिस चैनल के अच्छे शो चल रहे हो ना उसकी रोज दिवाली है, समझ में आया? इसलिए हैप्पी दिवाली। गले नहीं मिलोगी? गले तो ईद में मिलते हैं ना। जब पता है तो आई क्यों नहीं? ओ मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे साथ करूंगा ना, तेरे को ज्यादा शर्म आएगी। यार चलो, ये लोग ना बेवकूफ हैं, इनके साथ क्या बात करनी। बजट, हाँ आप लोग अभी तक इधर हो? गए नहीं? तुम लोग को बोल रही है तो एसी का रिमोट, तुम लोग इधर ही है क्या? हाय सर, सो वी हैव स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू सर। बाहर मार्केट में मैं सबको 40% डिस्काउंट दे रही है, लेकिन स्पेशल इनके लिए 10% डिस्काउंट सर। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ फ्लैट का रेट क्या है? 3,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1.5 करोड़। देखो इतना बजट तो हमारा नहीं, हमें तो 1 BHK चलेगा। वन बी एच के चाहिए? हाँ ओके। मिश्रा मिश्रा, हेलो मिश्रा जी, आपको एक 1 BHK चाहिए था ना, तो हमारे पास एक 2 BHK है, आप लोग मिलके रह लेना, ठीक है? ओके। एक मिनट, आप लोग दो लोगों को एक ही फ्लैट कैसे बेच सकते? हाँ टारगेट है हम लोग का, टारगेट पूरा नहीं करेंगे क्या? और उधर क्या बात करती है? टॉक टू मी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये है ये। हाँ, ऐसे नहीं बोल रही। और तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक बात बताओ, मिलजुल के रहने का उसमें ही फायदा रहता है। हाँ। अब मेरे को देख लो, मैं भी पहले अकेली थी ना, जब से इससे मिली है, चार चार फ्लैट बुक किया है मैंने खुद का बिल्डिंग में। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, हम दो अलग अलग लोग एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं, मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं ना। इधर आओ। हाँ। जानने का क्या है, जब ये शो शुरू हुआ था जानती थी, आई जाती ना तीसरे दिन मुंह उठा के, बताइए उसमें क्या है। एक मिनट, पहले तो ना आप झूठ मत बोलिए, मैं हर तीसरे एपिसोड में तो यहाँ आती हूँ नहीं, अगर आती तो 1 BHK का फ्लैट नहीं लेती, 4 BHK का लेती इनकी तरह। ए, दादर की दुर्गा खोटे, ज्यादा बकवास मत, हर एपिसोड में आएगी तू, इधर आइए, 4 लाइन बोल और निकल इधर से। देखो। ए, मेरी बीवी से तमीज से बात कर, तू जानती नहीं है मेरे को। अरे हाँ। सर आपको कौन नहीं जानता हाँ। सर अरे आप तो पंजाब नेपोटिज्म के सुपरस्टार हैं। सर आपके लिए नया ऑफर निकले है सर, स्पेशल आपके लिए सर। हाई सर, 1 BHK 60 lakhs एंड 2 BHK 30 lakhs। 2 BHK सस्ता, 1 BHK महंगा, ऐसा क्यों? 1 BHK में 2 रूम है ना, तो 2 BHK में 1 रूम है, 2 BHK उसका नाम है, तो रूम एक है, तो 1 BHK जो इसमें रूम 2 है उसका नाम 1 BHK। एक मिनट यार, ये 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं? यार किसको बोला वे? सॉरी, अबे किसको बोला वे? सॉरी, धमकी किसको दी कुत्रिया? कुत्रिया किसको बोला तू? किसको बोला कुत्रिया? रहने दीजिए किसको? अच्छा ये तो नॉर्मल चीज है, रहने दीजिए तो हम बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू, बहुत मजा आया। चलो चलो चलो, अभी मैं पूछूं जो मुझे पूछना है। 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने उसमें बाथरूम नहीं बनवाए। ऐसा है, एक मिनट, बाथरूम नहीं बनवाया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सामने सुलभ शौचालय, 2 रुपए 2 काम खत्म। लेकिन देखो मुझे फ्लैट में बाथरूम चाहिए। हाँ। फ्लैट में तेरे को बाथरूम चाहिए? हाँ। पति बेचारा दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा घर ले रहा है, ये नहीं कि अंदर जाके उसके साथ रोमांस करे, इसको बाथरूम चाहिए। रेसिस्ट कहेगी। जो काम 2 रुपए में हो सकता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? सही बोलते है। लेकिन भाई साहब अपने बाथरूम का ना अलग ही सुख मिलता है। भाई साहब सुख तो आजकल पहाड़ों में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है शादी के बाद सुख मिलता है? ये बीवियां बड़ी चलाक होती हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पहले लाखों रुपए लगवा के घर बना लेती हैं। हाँ, फिर कहती है बेबी सोफा बदल दो, बेबी वॉल कलर बदल दो, बेबी पर्दे बदल दो, जब सब बदल दो फिर कहती है हवा पानी बदल आते हैं, चलो बाहर चलते हैं। बात तो भाई साहब आपने बिल्कुल सही बोली है। एक मिनट, क्या बात सही कही उन्होंने? कभी परेशान किया है तुम्हें? नहीं, नहीं, कभी शॉपिंग के लिए बोला है? नहीं डार्लिंग। बढ़िया है, यहाँ पे शॉपिंग आजकल ऑनलाइन होती है, समझी? देखो हमने पैसे खर्च किए हैं, हम सुलभ शौचालय क्यों जाएंगे, वहाँ पता कितनी भीड़ होती है। तो भीड़ तो मेट्रो में भी होती है, उधर जाते कि नहीं जाते हो? मेट्रो और टॉयलेट में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, अभी मेट्रो में और बाथरूम दोनों जगह आदमी फाट करता है। अब ये फाट कहाँ से आ गया? बिना बताया आता है, लेकिन जब आता है सबको पता चलता है। फ्लैट लेनी है, दिमाग खराब करके रखा है। मुझे घर में अटैच बाथरूम चाहिए। ए, तेरी नई नई शादी हुई है, बीबी से अटैच हो, बाथरूम से अटैच मत हो। देखो टॉयलेट और बीवी में बड़ा फर्क होता है, पता है? बीवी प्रेशर बनाती है और टॉयलेट प्रेशर हल्का करता है। वाह क्या बात है। देखिए भिवंटी का भरसा होगले, तू इधर भी सटायर मार, मजा आया। अभी देखिए, अभी हमको यहाँ फ्लैट लेना ही नहीं लेना है, हम सोच के बताएंगे। हाँ। सोच के कब? जल्दी करिए, 3 फ्लैट बचे ले हैं, जल्दी करिए ऑफर, सिर्फ 3 घंटे तक इस नंबर पे डायल करिए, जल्दी करिए ऑफर, सिर्फ 3 घंटे। बहन जी इतनी जल्दी मत भेजिए, हमें फ्लैट लेना है। लेकिन ये तो बताइए कि पार्किंग का क्या है? अरे पार्किंग में तो आप ट्रक खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ट्रक नहीं है, कार है। नहीं ट्रक ही खड़ा कर सकते, कार बैन है। कार क्यों बैन है? अरे लंदन में बिग बैन हो सकती है, इंडिया में कार नहीं बैन हो सकती, ये क्या बात हुई? हाँ अरे तुम लोगों की वजह से मालूम है इंडिया का इतना नुकसान हो गया, कितना ट्रैफिक जाम करते तुम लोग। मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, बोल। नहीं नहीं नहीं, हाँ तुम 2 साल गाड़ी नहीं चलाएगा ना इंडिया में, तो देख इंडिया कितना तरक्की करेगा। अच्छा
और हम काम पे कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाओ। अरे मेरे वहां ट्रेन नहीं जाती है। क्या? तो जिधर ट्रेन नहीं जाती तू काहे को जाता है उधर? अबे मेरा ऑफिस है वहां पे। ऑफिस है तो गवर्नमेंट से बात करो ना। अगर गवर्नमेंट नहीं बात बनती तो उधर जाके धरना दो। मैं क्यों धरना दूंगा? इसका धरना दे आओ। ये क्यों धरना देगी बताओ? तुम देश के लिए ना कुछ करना ही नहीं चाहते। यू सूडो पीपल। सूडो मतलब? मैंने कल ही सुना था, मैंने कहा यूज करेंगे। बड़ा आया इधर। अरे पीली लीक पीली लीक पीली लीक पीली लीक। फोन बज रहे, फोन बज रहे। हेलो यस सर। ओ या हाय सर, इट इज कॉल फ्रॉम नासा सर। यू मेकिंग बिल्डिंग देयर? या हाँ, उधर से फोन आया है सर। कोई बात नहीं, आते रहते। आप लोग मतलब चांद पे घर बना रहे हैं? या लेकिन वहाँ पानी नहीं है। हम टिश्यू से बना रहे हैं। ये क्या बकवास है, टिश्यू से घर बनता है? अमेरिका के बाथरूम में कभी पानी देखा? नहीं देखा। तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं। ये देखो पराए मर्द को हाथ मत लगाओ ऐसे। I'm sorry, लेकिन वो देखो ना मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो इसका नहीं उड़ा रहे, इसका भी उड़ रहा है। इसका तो उड़ता ही रहता है। मैम मैम मैम, लेट्स हैव सम टी मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसमें इसमें तो टिश्यू है। हाँ तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं। बोला था हम इंडिया को अमेरिका बना रहे हैं। वैसे पानी से मुझे याद आया। तेरे को पानी से याद आया? हाँ, कभी मुझे याद आया। मुझे तेरे को शब्दों से याद आता है? वैसे तेरा दिमाग नहीं चलता। अब मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ। हाँ बोलो। बिल्डिंग में पानी का क्या सिस्टम है, क्या टाइमिंग है, बताइए। पानी पानी दो बार आता है लेकिन बता के नहीं आता। पर मैंने पता किया है, रात 9 से 9:30 आता है, फिर रात 12 से 12:30 आता है। ये कौन सी टाइमिंग हुई? उस वक्त तो हम सो रहे होते हैं। हाँ। वाह, पहले बोल रहे थे सरकार पानी के मुद्दे पे सो रही है, अब सरकार जाग रही तो तुम लोग सो रहे हो। अबे उठ जाओ, उठ जाओ, मैं कह रहा हूँ। अरे क्या बात है, उठ जाओ, उठ जाओ, एक दिन पानी चला जाएगा। क्या बात है, तुम लोग सोते रह जाओगे। जल्दी करिए, सिर्फ 1.5 घंटे रह गए हैं। जल्दी करिए, फ्लैट फ्लैट ही हो या। एक 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 फ्लैट मेरा भी कर दो। हाँ मीठा कम रखना का ज्यादा। एक फ्लैट मेरा बुक कर दो। एक मिनट, ये फ्लैट ले रहा है? ले रहे हैं मतलब? अरे दो ले चुके, चार लेने आए हैं। हाँ? ये चार फ्लैट ले रहे हैं? या चार फ्लैट चार, ले चार, पांच कर दो। पांच? अच्छा फ्लैट पांच ले रहे हो, और यहाँ पर कच्चा पहन के आए? यहाँ तो फिर भी कच्चा पहन के आए, दुनिया में तो नंगू आए थे। तो ये कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में हर आदमी नंगा ही आता है। आप हर किसी को नंगा देखते हैं। यू हैव ए न्यूड सोच। बेवकूफ कहेगा। मिश्रा जी, सर योर एग्रीमेंट इज रेडी सर। थैंक यू फॉर बाइंग फ्लैट विद अस सर। कपू, इसने कितने फ्लैट बुक किए? छह ना? ओके। Thank you. भाई साहब आप फटाफट फ्लैट बुक करो, चलो। Bye. See you. अच्छा सुनिए, आपने ना एड में क्या दिया था? हाँ जी। कि बिल्डिंग से स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे है। हाँ जी। लेकिन स्टेशन तो बहुत दूर है यहाँ से। हेलीकॉप्टर से जाओ ना, 10 मिनट लगेंगे। तो हेलीकॉप्टर नहीं है ना? आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं? नहीं। हेलीकॉप्टर है नहीं और फ्लैट लेने आ गए। एक बात बताइए, ये जो स्विमिंग पूल है इसके टाइमिंग क्या है? इसके रात 6 से 9 आप जा सकते हैं, 12 से 2 आप जा सकती हैं। आपका मतलब मैं रात को स्विमिंग में जाऊं? जी, क्योंकि दिन में मैं फ्री नहीं होता फिर। एक मिनट भाई साहब, आप मेरी बीवी के साथ स्विमिंग क्यों करेंगे? उनके साथ स्विमिंग मैं करूंगा। ओए, ये सब नहीं चलेगा सोसाइटी में। देखो कैसी बातें कर रहा है। और वो चलेगा, तुम स्विमिंग करोगे? अरे मैं तेरी बीवी को डूबने से बचाऊंगा ना। अगर ये डूब गई तो कौन बचाएगा? मैं बचाएगा। मैं कहाँ डूब रही हूँ? अच्छा डूबो ना फिर। देखो अगर तुम डूब जाओगी ना तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं देखो तुम्हें बचाने का डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। लेकिन मेरी बीवी रजा मुराद के फोड़े, उधर ही खड़ा रहे तू, समझा? उधर ही रहे। ए चल इसको सांस दे तू जल्दी से। अबे मेरी बीवी, तेरी बीवी तक उधर ही रहे। नहीं तो मैं तेरे को सांस के साथ साथ ससुर डालेगी। देख यार, हम फ्लैट लेने आए यहाँ पर। हाँ तो फ्लैट लेने का तो बुक कर अभी जल्दी से। लेकिन एक मिनट, हमको ना ये फ्लैट का व्यू ना पसंद नहीं है। हाँ। क्या व्यू, क्या बुरा है इसमें बताओ? नहीं बस मुझे नहीं पसंद इसका व्यू। देखो अभी कुछ बेटर करो। इसमें क्या है? ये लो, ये ले, व्यू बदल गया। ये देखो कुछ में क्या है? देखा अच्छा, ऐसे व्यू बदलता है। एक मिनट, ये लो।
हेलो ये हमारा सारा वास्तु खराब कर दिया। रख उधर उधर रख। ये क्या किया? अब हम बिल्डर को क्या जवाब देंगे? मेरे को क्या पता बिल्डर है कौन। वैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम बात कराते नहीं, तुमने ज्यादा बोल रहे हो ना। बिल्डर साहब कोई आया? ये बिल्डर है? ज्यादा नहीं बोलना, गुस्से वाले हैं। हेलो क्या करना है बताइए सर। कह रहे बिल्डिंग के पैसे ले लो, 10 करोड़ निकाल बे। किस बात के 10 करोड़? ये तो मॉडल है। हाँ तो 5 लाख निकाल जल्दी से, टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ अरे वहाँ देर है। इधर आओ। 5 लाख चाहिए? हाँ। या हेलो माई सेल्फ इंस्पेक्टर फ्रॉम हाउस डिपार्टमेंट। अच्छा 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 कम है। हेलो अरे अरे इधर आओ साहब, इधर आओ, दोनों इधर आओ। तुम इधर ना, मैं पकड़ता हूँ, तुम इधर जाओ। उन्होंने ठीक पकड़ा हुआ था? नहीं नहीं गलत गलत पकड़ा था। हाँ जी और कुछ लोग फ्रॉड करके लोगों को लूटते हैं और इस वजह से आप दोनों जेल जाएंगे। हाँ जी और वो भी जेल 1 BHK जिसमें 2 कमरे होंगे और बाथरूम में बाहर लाइन बनानी पड़ेगी। मैंने मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये MDA है। तू क्या रिप्रेजेंटेटिव? तू MDA? ये जो इसने बोला ये मैं हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये है। ये 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 है, ये वो है। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। आई एम अंडर आर्म्स। व्हाट? थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। हाँ जी आप हमें जेल में मत करिए। हाँ आपने जॉगर्स पहने किसी ने? नहीं। सपना उठना। हाँ इन्होंने नहीं पहने तो बाप की औलाद है तो पकड़ के दिखा। अर्चना जी एक समय था हाँ। जब लोग ये कहते थे कि खेलने कूदने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है हाँ। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने हर खेल में ऐसा नाम रोशन किया है कि आज हर बच्चा स्पोर्ट्स में अपना करियर ढूंढ रहा है। खास तौर पे हमारे इंडिया के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर्स को आज हम यहाँ पे बुला रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम इंडिया में फुटबॉल की शान, फुटबॉल की पहचान, वन एंड ओनली भाईचुंग भूटिया। और दूसरे खिलाड़ी हैं इंडियन हॉकी टीम के एक्स कैप्टन फ्लिकर सिंह के नाम से मशहूर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मिस्टर संदीप सिंह। और आज की तीसरी मेहमान जो हैं वो हैं एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली उड़न परी धावक दुती चंद। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी प्लेयर्स के लिए। आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाईचुंग से पहले मुलाकात हो चुकी है, दुती से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पाजी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलके। हमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू पाजी, आइए प्लीज प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं दुती चंद, इन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में 100 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। दुती बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। दुती कितने सेकंड्स में आपने ये रिकॉर्ड बनाया? 11.25। वाओ इनका रिकॉर्ड जरूर बना, लेकिन अर्चना जी से हार गई आप। आपको पता 11.25 सेकंड में आपने 100 मीटर कंप्लीट किया, ये 10 सेकंड में 15 कटोरियों वाली राजस्थानी थाली खा जाती है। और यही नहीं, जब तक तो बाकी लोग खा रहे हो ना, ये हाथ मुंह धोके ऊंट पे बैठ जाती है। ऊंट जो होता है, ऊंट के पेट में ना वो 7 दिन तक पानी स्टोर कर लेता है, ये 14 दिन तक खीर स्टोर कर लेती हैं। धीरे धीरे मजे लेती रहती है। अच्छा जी आपको बुरा तो नहीं लगा ना? तू जो भी कुछ बोल ले मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। हमारे देश में कभी कभी ऐसा होता ना कि लड़कियां शादी कर लेती हैं माँ बाप को बिना बताए,
भाग के शादी कर लेती, लड़कियां भाग जाए तो बदनामी होती। इन्होंने अपना करियर ही भाग भाग के बनाया था। दीप्ति लेडीज फर्स्ट, तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये दौड़ में ही आपने अपना करियर बनाने की कैसे सोची? बेसिकली मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती दीदी, वो एक एथलीट है, दो बार वर्ल्ड पुलिस ओलंपिक में मेडल दे चुकी है देश के लिए। अच्छा, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा जगाया कि तूने भी स्पोर्ट्स शुरुआत करो तो फ्यूचर में तुझे बहुत कुछ मिलने वाली है। तो ऐसे भी पुअर फैमिली थे हम, सिक्स सिस्टर वन ब्रदर, मम्मी डैडी, टोटल मिला के 9 मेंबर। और मेरे पापा का जो काम है कपड़ा बनाने का, विवर से कपड़ा बनाने का काम। अच्छा है। तो सिक्स सिस्टर को पढ़ना लिखना और फ्यूचर में करियर बनाने का इतना सक्षम नहीं था मेरे पापा को। तो दीदी ने तो इसलिए चुना है कि स्पोर्ट्स करेंगे तो हमको स्पोर्ट्स कोटा में फ्यूचर में जॉब भी मिल जाएगा और जो प्राइज वगैरह मनी मिलेगा तो परिवार का सिचुएशन बदल जाएगा। तो उसी होपफुल रह के हम शुरुआत किया था बचपन में, लेकिन पता नहीं था कि हम इतनी बड़ी आगे आ सकते। We are so proud of you, Dipti. आप हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है आज आपसे मुलाकात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. पाजी, आपने कैसे शुरू किया हॉकी खेलना? बड़े भाई साहब हॉकी खेलते थे, आए हुए हैं मेरे साथ। अच्छा जी, क्या हाल पाजी? So, इनको ना टी शर्ट निक्कर मिलती थी। अच्छा जी। और इनके कपड़े यूज किए मुझे मिलते थे। अच्छा। और जब मैंने कहा कि यार मुझे भी नहीं चाहिए, तो कहते हॉकी खेलोगे तभी मिलेगा। तो अच्छा, शुरुआत ऐसे ही मजाक मजाक में हो गई? मजाक मजाक में हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि कहां तक पहुंच गए। क्या बात है बाजी, सो प्राउड ऑफ यू बाजी। थैंक यू बाजी, शुक्रिया। आप अपनी निक्कर टी शर्ट नहीं देते तो हमारे देश को इतना महान खिलाड़ी ना मिल पाता। पाजी, इनको तो आप देते थे निक्कर टी शर्ट, आपको कहां से मिलती थी? मुझे डैडी से लेनी पड़ती थी जी, घर से। अच्छा, तो ये मतलब पूरा खानदानी काम चला आ रहा है, एक दूसरे को निक्कर टी शर्ट दे के प्लेयर बनाते जाओ, क्या बात है, बहुत अच्छा काम है। अभी हम लोग हंसी मजाक करें, लेकिन संदीप सिंह की लाइफ में जो हुआ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि इनको गोली लग गई थी, और फिर ये तब हॉकी खेलते थे, और फिर 2 साल तक इनको व्हीलचेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। अभी हाल ही में एक फिल्म बनी थी सूरमा, जिसमें दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने वो किरदार निभाया संदीप पाजी का। और पाजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। पाजी, क्या हादसा कैसे हुआ था और फिर वापिस कैसे आए आप? 2006 22 अगस्त को इंसिडेंट हुआ था। अच्छा जी। और मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था ट्रेन में। अच्छा, और रास्ते में ASI थे RPF के। अच्छा जी। उनसे बाय मिस्टेक गोली लगी, मेरे स्पाइनल कॉर्ड पर हिट हुई, ऑन द स्पॉट पैरालाइज हुआ। सो मुझे स्टेशन से निकाला गया। लोग बोलते हैं कि आधे घंटे में पिज्जा आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, 2 घंटे तक मैं वेट करता रहा। बाप रे। देन एम्बुलेंस की जगह मुझे ऑटो में लेकर गए सिविल हॉस्पिटल, वहां से बड़े हॉस्पिटल PGI चंडीगढ़ में। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, तो 4.5 घंटे का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये शायद बच सकता है, ये कभी खेल नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से हम इसको व्हीलचेयर के ऊपर बिठा सकते हैं। तो मुझे 6 महीने लगे व्हीलचेयर तक आने पे, और उसके बाद मैं अब्रॉड गया व्हीलचेयर से था, आया चल के 1 साल लगा दोबारा, पाजी ने मुझे मेहनत करवाई, तो 2 साल बाद मैं दोबारा नेशनल टीम में आया और बिकम अ कैप्टन। जो सूरमा फिल्म आई ना बाजी, उसमें जो हीरोइन दिखाई गई है तापसी पन्नू, हाँ, रियल में भी तापसी पन्नू से आपकी शादी, सॉरी अपना मतलब जो फिल्म में दिखाई गई है, मतलब वो आपकी बीवी का ही किरदार निभाया उसमें? नहीं बाजी, सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए ना। है तो बंदा पंजाबी ना। मेरे को ना लोगों ने बहुत पूछा। अच्छा कि यार जो फिल्म बनी है रियल बनी है। मैंने कहा फिल्म तो रियल है, लेकिन गाने मैंने ऐसे नहीं गाए थे। ऑब्वियसली मैं छत पे चढ़ के थोड़ी गाने गा सकता हूँ। हाँ है तो। पर पाजी, मेहनत आप करते रहे, एंजॉय दिलजीत दोसांझ कर गया। यार पाजी, आपने खुद क्यों नहीं की, इतने हैंडसम हो आप, आपको वैसे बोला नहीं था पहले डायरेक्टर ने? भाई डायरेक्टर बाद में मिला ना। अच्छा, उसने मेरे को बाद में देखा था। मेरी लाइफ ही बनती, मैं तो घुस जाता बीच में, क्या हो रहा है भाई, हम लोग मेहनत करते मर गए, सडनली हीरो आगे की और तापसी पन्नू की गाने गा रहा है। नहीं यार, ऐसा डब स्मैश तो हम भी कर सकते, गाना कोई गा लेता, मजा हम ले लेते। भाई तुम, आप ऐसी अफवाह है, बोलते कि आपकी लाइफ पे भी बायोपिक बन रही है, इससे जी सही बात है? बात तो चल रहा है, लेकिन अच्छा अभी आनंद जी है, आनंद कुमार के साथ बात हुआ है, बट देखेंगे अभी। एडवाइस मैं पाजी से ले लेता हूँ, क्योंकि इनका जो सुरमा बना है बहुत ही अच्छा है जी। एंड अभी एडवाइस ले रहा था, पीछे स्टेज के पीछे बात ही कर रहा था, अगर बनाए तो कैसा कैसा करना पड़ता है, तो स्पेशली पेमेंट कैसे होता है पूछा था।
नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, आपके पास खुद आएंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्योंकि लोगों के सामने ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो पाजी संदीप पाजी का स्टोरी सुन रहा था जी, तो जो कमबैक किया इतना इंस्पायरिंग है सारा इंडियंस को, जस्ट नॉट हॉकी प्लेयर्स के लिए बट सारा स्पोर्ट्स पर्सन एंड सारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इंडियंस लोग को जी, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि मेरा ऐसा घटना हुआ है कि बहुत सारे इंस्पायर करे यार एक बायोपिक। ये आपका बड़प्पन है भाई, लेकिन अगर आज भारत में फुटबॉल की बात की जाती है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। अर्चना जी का बेटा भी बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था जी, तो हम काफी बार बात क्या, आई वॉन्टेड टू आस्क आपका बेटा अभी खेल रहा है कि नहीं? What, मेरे बेटे आर्यवन की बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में जूनियर्स में खेलता था क्वींस पार्क रेंजर्स के लिए, तो हमारी बात होती थी उस वक्त, मैं थोड़ी सी एडवाइस लेती थी बाइचिंग से, तो वो उसका अनफॉर्चुनेटली एक बार टांग टूटी, फिर दूसरी बार टांग टूटी, तो वो फुटबॉल उसको खेलना उसका बंद हो गया, मतलब ही कुड नॉट बाउंस बैक द वे यू डिड संदीप। हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन अब वो एक्टर बनने की सोच रहा है, शायद वो जो डेस्टिनी उसे वहां पर छोड़ आई थी, अब वो शायद इस फील्ड में आए। ये बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया आपने, बाईचुंग की लाइफ पे अगर फिल्म बने तो आपका बेटा जो ऑलरेडी फुटबॉल खेल चुका है ना, अच्छा कर सकता है वैसे। He can play. Yeah. I hope that happens. जैसे क्रिकेटर्स के नाम पे जब मैच होते हैं तो एक स्टैंड्स बने होते हैं ना कि सुनील गावस्कर स्टैंड, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे भाईचुंग के नाम पे पूरा स्टेडियम है एक। Wow. भाईचुंग बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम पे पूरा स्टेडियम है। तो अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जब मैचेस नहीं होते तो स्टेडियम शादियों के लिए किराए पे भी देते। शादी से ज्यादा तो अभी पॉलिटिकल रैलीज होता है स्टेडियम्स में। चलो रैलीज वैलीज तो 5 साल बाद एक बार आती है, हाँ हर तरह के इलेक्शन होते हैं, पर ऐसा आपको पता है बड़े सारे गांव में कॉलेजेस में ऐसे स्कूल किराए पे देते हैं फंक्शंस के लिए ना। हाँ शादियां होती हैं, हमारा खुद का स्कूल जाता था ऐसे किराए पे। सीरियसली वो तो अगले दिन जब बच्चे लोग क्या करते, रात को शादी वादी होती है तो रात को चटनियां गिरा गए घास पे, और सुबेरे तुम हरी हरी घास और हरी हरी चटनी नहीं पता चलता। सुबह बच्चे जब आके बैठते ना तो उनकी अपनी फुटबॉल पे एक छोटी सी फुटबॉल बनी होती है, तब जाके पता चलता है कि ये किराए पे भी देते हैं। नहीं नहीं, ये मुंबई में एक ऊपरे जो स्टेडियम अभी तक बना हुआ है जी, लेकिन पहले जब बनाने के आगे बहुत शादी के लिए रेंट करते थे कुपरेज स्टेडियम। अच्छा जी, तो हम लोग जब खेलने के लिए आता है कभी कभी ड्रेसिंग रूम में कल रात का जो शादी का खाना वाना काफी रह जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी खर्चे निकालने होते हैं। दुती, हमने बहुत सारी ऐसी रेसेस देखी हैं जिसमें जब दौड़ते हैं ऐसे स्टांस लेते हैं जी, उसके बाद एक आदमी बंदूक चलाता था जी, तो वो जो भागते हैं वो बंदूक वाले के डर से भागते हैं कि वैसे ही भागते हैं? जो बंदूक आवाज आते हैं तो ब्लॉक से निकलना पड़ता है, तो वहाँ पे भी एक सेकंड के हिसाब से निकलना पड़ता है, 10 सेकंड से पहले आप निकल गए तो आप फॉल करके निकाल देंगे। अच्छा, ब्लॉक से। आपने फिल्म देखी द डिक्टेटर? बहुत साल पहले देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म है। क्यों? नहीं नहीं, अब उसमें सीन नहीं देखा आपने? वो डिक्टेटर होता है, मतलब देश का पूरा प्रेसिडेंट खुद ही है, खुद ही ओलंपिक करवाता है, खुद ही दौड़ता है, पार्टिसिपेट करता है, पहले गोली चलाता है, खुद भागता है, उसके बाद लोग भाग के जैसे उसके बराबर आते हैं उनके पैरों में गोली चलाता है। बड़ा मजा आता है। सबसे पहले तो मैं दुती आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आई है, और ये भी शुक्र है फ्लाइट भी मिल गई, हालांकि इन्होंने ये कहा था कि अगर आप और लेट बताते तो फिर मैं फ्लाइट नहीं लेती, मैं भाग के आ जाती। तो दीदी आपने मतलब कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करती थी आप? प्रैक्टिस तो बचपन में गांव में करती थी मैंने, लेकिन इस टाइम बहुत स्ट्रगल लाइफ था मेरा, भागने के लिए आसपास ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी गाँव में। अच्छा, तो मुझे नदी के किनारे बालू के ऊपर भागना पड़ता था हमेशा, और कभी कभी गाँव में रोड के ऊपर भागना पड़ता था, कभी NH के रोड के ऊपर, तो बहुत स्ट्रगल लाइफ था। और ज्यादा जो छोटा छोटा स्टोन रहता है ना पाँव में घुस जाते हैं, बहुत पेन होता है उस टाइम में। तो नंगे पैर भागती थी? नंगे पाँव में, क्योंकि शू खरीद करने का पैसा नहीं था उस टाइम में। तो अब तो घर वाले बहुत खुश होंगे कि हमारी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है। जी जी, तो बेसिकली आज के दुनिया में देखेंगे तो बच्चे को जब फील्ड को छोड़ते इसको पोशाक शू सब कुछ दे देते, उस टाइम में जब मैं भागने के लिए जाती तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक फ्रॉक पहना देती थी पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भागने में भी दिक्कत होता था। और ऐसे भी ठंडे मौसम में जब आर्ली मॉर्निंग में भागते थे 4 बजे, तो उस टाइम में बहुत सर्दी के वजह बॉडी पूरा कूल हो जाता था, फिर भी भागना पड़ता था मुझे इस टाइम में। और बेसिकली क्या ना, गाँव में लड़की लोग बाहर नहीं निकलते जी, तो मैं जब वो
बाहर जाते थे भागने के लिए तो लोग हमको कमर करते थे इस टाइम में कि क्यों भाग रहे, भागने में क्या मिलेगा, तेरे पीछे कुत्ता भागेगा और कुछ नहीं मिलने वाले है तुझे। पर अभी क्या बोलते हैं अभी वो? अभी तो सब बोलते दीदी हमने जो बोला था गलत बोला था, लेकिन अभी तूने जो करके दिखाया हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी जो करके दिखाया हमारे लिए बहुत बढ़िया। भाई जो रेड कार्ड और येलो कार्ड जो होते हैं फुटबॉल में, तो ये येलो कार्ड होता है वो होता है वार्निंग और रेड कार्ड मतलब बाहर। मेरी शादी का कार्ड भी येलो था, मेरे को समझ में नहीं आया कि वार्निंग दे रहे हैं मेरे को। बड़ी वार्निंग थी तेरे को। आप रेड कार्ड का तो अभी तक नहीं खाया, सो रिलैक्स हो जाइए। रेड वही दिखाएगी अब, दिखाएगी तो। पर यार मैंने देखा ये ना, दुती आप तो भागती ही है, काम ही भागना है, पर ये हॉकी में और फुटबॉल में इतना स्टेमिना चाहिए होता है, मतलब सबके सब प्लेयर एक साथ भाग ही रहे हैं। वो तो भाग ही रहे, रेफरी भी भाग रहा है। ऊपर से उनको ना सीटी दे देते हैं। वो सीटी मेरे को आप समझ में आया क्यों देते हैं? क्योंकि आदमी इतना भाग रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन सांस फूली होती है तो खाली सीटी अंदर ही डालनी होती है, हवा निकलती है सीटी बच जाती है ना? बड़ा मुश्किल काम है। तो कभी रेफरी ने बोला नहीं है भाई फुटबॉल में और हॉकी में कि हम भी तो तुम्हारे साथ ही भाग रहे हैं, एक गोल हमें भी करने दो? अच्छा भागने से याद आया ज्योति, कभी गांव में किसी ने आपसे हेल्प मांगी है? हमारे मुर्गे भाग गए पकड़ दो। तो वैसे एक चीज है, आपको जो मुर्गा घूमता फिरता पसंद आए आप लेके भाग जाओ, कौन पकड़ेगा आपको? अच्छा मैंने सुना है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने वो मैच देखा नहीं, कहते आपने पीटी उषा जी का रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। जी अभी क्या बात है यार, अभी मैं 10 बार मेरा खुद का रिकॉर्ड मैं तोड़ चुकी हूँ। मैंने आपने खुद का रिकॉर्ड 10 बार तोड़ दिया है? जी। वाओ That's amazing. वेट भी नहीं किया कि कोई और आएगा, खुद ही तोड़ी जा रही है, खुद ही बनाए जा रहे हैं। वाओ सेम हियर, हम भी अपने शो बना बना करते हैं। ये दुति ये अपना दिनेश है ना जो गिटार बजा रहा है जी, ये नारियल जो मुंह वाला ये मेरे को बोल रहा था कि यार ये बात गलत है। मैं क्या क्यों? कहता है ये लोग जब भागते हैं इनको गोल्ड मिलता है, हम लोग भागते तो हमारे पीछे लोग क्यों भागते हैं? तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा वो पहले भागते हैं फिर गोल्ड मिलता है, तुम पहले पर्स छीनते हो तो तुम्हें कैसे गोल्ड मिलेगा? नहीं इनको होता है ना कि हम यहीं से गोल्ड ले लें खुद ही। कैसे अर्चना जी? अरे यार देश के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आए यार। नमस्कार भाईचंद भूटिया जी, संदीप सिंह जी, बूटी चंद जी। अरे यार कपूर शर्मा बैक टू बैक प्लेयर आ रहे हैं यार, कहीं आप सोनी के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू भी खेला कर, हालत देख अपनी, फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा हो गया तेरा पेट। जैसे दुति आप भागती ना 100 मीटर की फास्ट, ये भी बहुत आधा इंच भाग लेता है। कमाल का बात किए हैं यार, वेरी नाइस। सर आप आदमी को जानते नहीं है, इनके घर में लाइट भी चला जाता है ना तो भी ये पंखा चला लेते हैं। पूछे कैसे? कैसे? उंगली करके। उंगली करने का इतना शौक है यार आदमी, क्या बताए। कपूर शर्मा यहाँ पे रख के फ्रूट और अपनी सोच दोनों को बदलो यार। कब तक यहाँ पर रखा ड्रैगन बूट दिखा दिखा के शो ऑफ करता रहेगा यार आदमी? अर्चना जी हमको सच बता रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट ने 50 एपिसोड के, हमने 40 किए। बड़े बड़े मंत्री बदल गए लेकिन फ्रूट नहीं बदला है। हैशटैग चेंज द फ्रूट। तो संदीप सिंह जी कमाल का हॉकी खेलते हैं यार, हमने देखा यार, आई लव इट, बड़ा मजा आता है आपको देख के आपको। लेकिन सच्चाई बताएं आप में और हम में ना एक चीज कॉमन है क्या? आप हॉकी से ऐसे खेल खेल के गोल करते हैं, हम पहले से ही गोल हैं।
क्या बात कपू शर्मा, यही टॉट मार के आप हम पे हंसने वाले थे ना, हमने पहले ही मार दिया, आप क्या बोलोगे? मैं तो ये कह नहीं रहा था, मैं तो ये कहने वाला था कि जैसे हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, इसके 11 बच्चे हैं, तभी बाप गोल जैसा है, मैं ये बोलने वाला था। नॉट बैड अंकल कपू शर्मा, नॉट बैड। क्या घर के खर्चे कुछ बढ़ गए हैं क्या? क्यों? क्यों जो जवाब नहीं देना था वो भी दे रहे हैं आप, मतलब गुड गुड गुड। वैसे संदीप सिंह जी यार, आई लाइक योर जज्बा, आपने ओलंपिक का टैटू बनाया है ना? यस सेम सर, हम भी इंस्पायर्ड हैं आपको कॉपी करके, हमने भी ओलंपिक का टैटू बनाया अपने हाथों पे, देखिए। बच्चा ओलंपिक वाले 5 होते, छल्ले तेरे 4 है। नहीं नहीं, एक कमरे की वो मेले में गए थे ना हम, वहां पे एक छल्ला फेंक के हमने साबुन जीता। आइए कभी नहाने, क्योंकि धो तो हम वैसे भी बड़े बड़ों को देते हैं। वाह शुक्रिया शुक्रिया। वैसे लेकिन सर आपके ऊपर वो बायोपिक फिल्म भी बनाना, सूरमा, यहाँ पर इतना ऑडियंस आज यहाँ पे बैठा हुआ है, सबके सामने हम सोच रहे हैं सूरमा दिखा देते हैं। वाह ये क्या बे? सूरमा है यार, इसको लगा के भी सूरमा देख सकते हैं आप। वो सूरमा और ये सूरमा में फर्क होता है यार? होता तो इग्नोर भी है, जो हम काफी देर से कर रहे हैं पर सामने वाला समझ ही नहीं रहा। क्या बताएं यार, लेकिन दूति जी मानना पड़ेगा, महिलाएं जो हैं आज कितना आगे जा रही हैं। कल हम मेट्रो में गए थे, वहां पे भी महिलाएं आगे जा रही थी। अरे मेट्रो में पहला डिब्बा होता है महिलाओं के लिए, इसलिए आगे जा रही होंगी। कपू शर्मा डिब्बा और सीट ना भी हो तो भी अपने टैलेंट पे आज महिलाएं आगे जा रही हैं। आए जोरदार तालियां हो जाए। नहीं नहीं ये बात सच है अर्चना जी, कोई आपको कुछ भी कहे लेकिन हम जानते हैं यार आसान नहीं है। ये जो मर्द से लेके यहाँ तक आप दो मगरमच्छ पे पैर रख के ऐसे आती है ना, टैलेंट है, ये आसान नहीं है, मानना पड़ेगा। मतलब आप तू मच है मगरमच्छ है। वैसे संदीप जी आपका हॉकी का गेम कभी कभी हम देखते ना, पूरा परिवार हमारा साथ में बैठ के टीवी पे देखता है। तू ही देखता होगा अकेला, तू बैठ जाता होगा तो पीछे वालों को कहां से दिखता होगा? लाल वाला होना चाहिए। ये क्या है? ये वार्निंग है हॉकी में। इसके बाद अगर ऐसा कोई कटु शब्द आपने हमारे बारे में बोला ना तो सीधा रेड कार्ड निकलेगा कपू शर्मा, और आपको ये खेल छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईचुंग जी, सही बोल रहे हैं ना? एकदम सही, करेक्ट, आई नो द रूल्स ना। वैसे आपको पता है सच्चाई यह है कि काफी लोग ना भाईचुंग जी से डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि इतना डरावना सरनेम रखा है, भूतिया। सर हम मजाक कर रहे हैं, मजाक क्या हमको यहाँ पे करना पड़ता है, नहीं करे ना तो फिर अगला शूटिंग पे बुलाते नहीं है। तो ऐसे ही घर पर बैठना पड़ता है, हैशटैग नो जॉब, हैशटैग नो मनी। वैसे लेकिन एक चीज है कि सर आप भी अपना जब खेल खेलते हैं आप दौड़ते हैं, सर आप भी खेलते हैं तो दौड़ते हैं, आप तो दौड़ती हैं तो नहीं, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी के जीवन में ऐसा दौड़ भाव चल रहा है। हाँ, हाँ। कुछ लोग हैं जो बस बैठे हैं आराम से, नहीं दौड़ रहे हैं। बैठे ही हैं रिलैक्स, खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर बैठे ही रहते हैं, बैठे क्या एक्चुअली पड़े रहते हैं, इज मोर लाइक इट। दौड़ने की जरूरत किसको है, सबको दिख रहा है। हाँ ये भी सही है। अब क्या निकालेगा? रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड होता ही नहीं कोई, तो फुटबॉल में आप भी कहाँ होते हैं। लेकिन अर्चना जी हमको मजा आता है, आप लोग खेल वेल देखते हैं आप लोगों का, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी हरी हरी घास पे आप लोग जो खेलते हैं ना, ओहो हो हो हो, हम सोच रहे हैं कि कभी ऐसा मौका मिले ना तो आपका ये जो घास है ना ये हम अपनी भैंस को चराना चाहेंगे। आपके फील्ड पे लाके। क्यों? क्योंकि हमको डांस नहीं करना।
नहीं, ये बातों का कोई रिलेशन नहीं है, हमें समझ में आया, लेकिन बात को समझिए। वो श्री श्री बादशाह रैपर जी है ना, उन्होंने कहा है कि जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। और तेरी भैंस ने वहां पे गोबर कर दिया तो? हाँ तो भाई से गोबर करेगी यार, मुजरा थोड़ी ना करेगी। तू अपनी भैंस चराएगा तो ये लोग कहाँ खेलेंगे? यार खेलने का क्या, अपना वो क्रिकेट का फील्ड होता है ग्राउंड, आप वहां खेल लीजिए। तो क्रिकेट वाले कहाँ खेलेंगे? हाँ तो गोल्फ का ग्राउंड होता है, वो वहां खेल लेंगे। तो गोल्फ वाले कहाँ खेलेंगे? अरे दो हमने शिफ्ट किया, बाकी का आप शिफ्ट कर रहे हैं यार। सबका जिम्मेदारी हमने लेके रखा है क्या यार? हमारे कंधे पे डाल रहे हो तो फिर बच्चा यादव सो लिखो, फिर कप्पू शर्मा सो है तो यार जिम्मेदारी लो यार, हमको नहीं पता, करेंगे किसी तरह कुछ। लेकिन सर आप हमारे भाईस को वहां पे घास चरने दीजिए, अगर आप चरने देंगे ना तो हम आपको जॉक सुनाएंगे। जॉक। एक तालाब जो होता है ना उसमें बहुत सारी डक्स होती है, उनका लीडर हमेशा एक फ्रॉग होता है, बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज ही इज मेन डक। मेन डक। एक और पेश करते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्म है जो पेंसिल या पेन से भरा नहीं जा सकता? कौन सा फॉर्म? प्लेटफॉर्म। हमको तो मजा आया यार, बहुत मजा आता है सर। नाइस मीटिंग यू सर, हमारे जाने का टाइम हो गया। नमस्ते नमस्ते सर, प्लेजर सर। यो ब्रो, अच्छा चला जी चलते। लवली भाईचुंग, जैसे बच्चे खेलते हैं अपने घरों में, शहरों में, गांव में, जैसे क्रिकेट का शौक होता है तो अपना बैट लेके आ जाते हैं, कपड़े धोने वाली थापी से खेल लेते हैं। आप जब फुटबॉल खेलते थे तो आप ओरिजिनल फुटबॉल मिलता था आपको खेलने के लिए? नहीं मिलता था काफी, बिकॉज मैं भी गांव से आया हूँ और जब बचपन में था तो नियरेस्ट टाउन भी काफी दूर होता था। अच्छा जी। तो स्पेशली फुटबॉल एक अच्छे, इसलिए इजी स्पोर्ट है, कारण आपको फुटबॉल बड़ा ही नहीं मिल सकता, छोटा कोई भी सॉक्स या कुछ भी कपड़ा का बना के खेल सकता है। इनफैक्ट सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स आज संसार में जो भी आया हुआ है, मेस्सी, मैराडोना से लेके पेले, आई थिंक सब लोग ने ये छोटे छोटे कपड़े का बॉल बना के खेल के ये लोग बड़ा हुआ है। सो आई थिंक काफ़ी ये छोटा बॉल्स बना के जो खेलता है ये लोग को अपना टैलेंट में बहुत हेल्प होता है। That's all. संदीप, इनकी वाइफ, इनके बड़े भाई, उनकी वाइफ, सब हॉकी खेलते हैं। तो आपके तो घर में कितने क्रिटिक होते होंगे ना बाजी, कभी कोई मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ताने दे दे के मार देते हैं। आप देख लो, आप भी शादीशुदा हो। हाँ जी, हाँ जी, चलिए कोई और बात करते हैं। आप भी शादीशुदा हो, जब कोई हैपनिंग होती है तो आपको बेलन पड़ता है, हमें हॉकी पड़ती है। अच्छा, तो मुंह पे ऐसे सुना देते होंगे ना, आपने तो जी इस मैच में अच्छा नहीं खेला, से बोल देते हैं। सीधा पड़ता है, एक हाँ तो मैं गोल कर देती, आप कैसे नहीं कर सके। बड़ा मुश्किल है भी काम, एक तो बाहर पूरी दुनिया से जूझ के आओ, घर आके फिर बैठे हुए, ये क्या कर दिया जी आपने। नहीं, बच्चों के कुछ सवाल है, कहते कि आप हरियाणा पुलिस में डीएसपी भी हैं, और संदीप को बाइक्स का, गाड़ियों का शौक भी बड़ा है, जैसे सलमान खान साहब को बड़ा शौक है। तो बच्चे कह रहे थे कि ऐसे आप क्रिमिनल्स कभी मिलते हैं तो आप उनको बोलते हो कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा। तो पाजी एक्चुअली वो जानना चाहते थे आपकी फैन, आप, आपको एक्टिंग का शौक है? है पाजी, आपके लिए हमने एक डायलॉग बनाए हैं। आप वैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसके फैन है? मैं आपका फैन हूँ। अरे क्या बात है। एक फिल्म आई थी हॉकी के ऊपर, चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख भाई ने बड़ा अच्छा मजेदार किरदार निभाया था। yes. उसमें जो एक डायलॉग था ना पाजी, आपने तो देखी होगी, हॉकी वालों ने तो पक्का। 70 मिनट। क्या बात है, 70 मिनट वाला। तो आज संदीप सिंह रियल हॉकी प्लेयर, ये 70 मिनट वाला डायलॉग। हॉकी मंगवाओ भाई, बजट देखो आप, चेक करो साडा। हॉकी आइए पाजी। पाजी ये आपका हथियार, और ये सामने जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, सबके सब, हाँ, और सबके, यही सब नहीं, जो इस समय आपको टीवी पे भी जितने लोग देख रहे हैं उनको भी, ये 70 मिनट वाला डायलॉग पाजी।
पार्ट टू बनना है, आप ही हो हीरो, बस ये सोच के बोलना है। 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास। ये 70 मिनट जिंदगी भर तुम्हें याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखना ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। वाओ क्या बात है बाजी। तो जितने भी डायरेक्टर अभी हमें इस समय देख रहे हैं, आप सीधे के सीधा खिलाड़ी को साइन कर सकते हैं। आइए बाजी। थैंक यू बाजी। सर आपके फैंस जानना चाहते हैं तीनों के आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, अभी क्या क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेडीज फर्स्ट, यहाँ शुरू करते हैं। बेसिकली तो अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा स्पोर्ट्स। अच्छा। अभी 5-6 साल और भी खेलना है मुझे, मैं ज़्यादा उम्र की भी नहीं हूँ। आगे ओलंपिक आ रही है, 2020 ओलंपिक आ रही है। वाओ। इसके बाद फिर 21 एशियन चैंपियनशिप, 22 में फिर एशियन गेम, बहुत सारा काफ़ी मेगा कंपटीशन है, इसकी तैयारी चल रही है अभी। अच्छा, इनको बैठे हुए देख के लगता नहीं इतनी तेज भागती होंगी ना। ऐसा लगता है किसी प्राइवेट बैंक में वो होते नहीं रिप्रेजेंटेटिव, सर आप हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो कुछ शरारत करके देख इनके साथ, फिर तू भाग और ये देखना तुझे पकड़ लेंगे। मैंने करनी नहीं। इसे पता होता है किसके साथ शरारत करनी और किसके साथ नहीं करनी। सब तैयार हूँ मैं, घर से तैयार हो गया हूँ। पाजी आपकी क्या प्लानिंग है आगे? पाजी अभी मैंने अकेडमी खोली है, फ्लिकर ब्रदर्स अकेडमी। ओके। और अभी मेरे पास अभी 1 महीना हुआ है और उसमें 150 के आसपास बच्चे हैं। क्या बात है। और मेरी पूरी फैमिली उनका लुक आफ्टर कर रही है, इक्विपमेंट से लेकर उनकी खाने से लेकर उनकी ट्रेनिंग से लेकर सारा लुक आफ्टर कर रही है। और मेरी ये है कि मैं ऐसी अकेडमी पैन इंडिया में 30-40 नेक्स्ट 2 ईयर्स में बनाऊं। वाह। भाई चुंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? 10 साल से हम जब रिटायर करने के बाद फुटबॉल स्कूल्स चला रहे हैं जी। और भाईचुंग भुटिया फुटबॉल स्कूल्स बोल के हम सारा काफ़ी सेंटर्स जी ग्रास रूट फुटबॉल प्रोग्राम में हम लोग का काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, इंडियन फुटबॉल फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छे फुटबॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज को, जो टैलेंटेड है लेकिन वो लोग को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन लोग को स्कॉलरशिप दे के हम लोग ट्रेनिंग कराता है जी। तो लास्ट 7 ईयर्स में फाउंडेशन 7 ईयर्स हुआ है, लास्ट 7 ईयर्स में हम लोग एटलीस्ट अराउंड 8 प्लेयर्स हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप इंडिया के लिए दिया हुआ है। हाल ही में जस्ट 2 मंथ्स 2-3 महीने आगे हमारा 2 स्कॉलरशिप लड़का, एक शिलोंग मेघालय से, एक उड़ीसा से, हम लोग जो स्कॉलरशिप में लाया था वो बच्चे लोग हमारा अंडर 16 इंडिया के लिए खेलने के लिए गया। वाओ। तो काफ़ी अच्छा हुआ। एंड मैं खुद पर्सनली पॉलिटिक्स में आया हूँ, रीजनल पॉलिटिक्स। हम चाहता है कि हमारा सिक्किम एक छोटा स्टेट है और सिक्किम के लिए कुछ वापस देना चाहता हूँ, और इसलिए पॉलिटिक्स में दोस्त लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी किया हूँ। क्या बात है। और आप साफ नीयत से इतने अच्छे विचार रखते हैं तो जरूर आगे चल के इसमें भी आपका बहुत नाम होगा। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। अच्छा, मैंने भाईचुंग आपसे बात पूछनी थी, सिक्किम से आप हैं, ईस्ट साइड में बहुत कम गया हूँ, जैसे असम बहुत मतलब कम घूमा हो ज्यादा, मतलब और कौन कौन सी जगह है वहाँ पे, क्योंकि मैं प्लान बना रहा हूँ इस बार घूमने का। इनफैक्ट कपिल जी, I'm starting, I'm trying to, in fact, already process में I'm planning to start fitness tourism, जो एक tourism beautiful है, but at the same time लोग आए कि एक fitness program भी करें, so that is what I'm planning to start and very good, that's a lovely idea, बहुत अच्छा बात है। मैं I think मेरा जो project बन रहा है, I think next 5-6 months में complete हो जाएगा, तो I think you should come, sir आप fitness कम tourism, फिटनेस कम टूरिज्म हो जाएगा आपका। अच्छी बात है, लोग छुट्टी भी जाए फिट हो गया, नहीं तो लोग छुट्टी भी जाते हैं बियर पीपी के इतना बड़ा मुंह करके आ जाते हैं। अच्छा है यार, घूमने जाओ फिट हो गया हो। अगर आप चिलीज खाते हैं तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इज द राइट प्लेस टू कम। चिलीज, मिर्ची हाँ खाते तो बहुत, अगले दिन बड़ा अगले दिन आपको भागना पड़ेगा ना इसलिए। अभी आपको पता है जो गोरे लोग जो होते हैं ये टिश्यू पेपर क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये मिर्ची कम खाते हैं, हमारे इंडियन इतनी मिर्ची खाते हैं टिश्यू पेपर आग पकड़ लेता है। तो आपके
फैंस जो है हमारे यहाँ पे दर्शक जो बैठे हैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा, जो आपका मन करे जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं जी। यस बेटा, अरे ये तो बंदा स्पोर्ट्समैन है। हम भी फुटबॉलर हैं, हमको भी भाईचुंग सर को कुछ स्किल्स करके बताने हैं। ऊपर आगे बताओ, जरा आगे मिलो अपने आइडल से। कहाँ से आए आप तीनों, पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम मनन है। मनन, हाँ। और इनका? My name is प्रशम। प्रशम। मेरा नाम भाग्य है। भाग्य, आप कहाँ मुंबई में रहते हैं आप? हाँ। मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आप भाईचुंग को सामने देख के? अच्छा। जाओ पहले मिल के आओ, जाओ भाग के जाओ। They want to show skill भी। आ जाओ बेटा, फुटबॉल कहाँ है आपका, भेजो भी इधर। हेड पास करते हैं, हेड। थैंक यू बच्चों। कपिल सर को भी हेडिंग कराते हैं क्या बेटा? हेडिंग मैं बेटा अपना काम ना ठीक चल रहा है, बेइज्जती क्यों करानी है ना। जाओ आप, थैंक यू बेटा, फुटबॉल ले जाओ। वेरी गुड, तुझे बीच में खेलने का मन हो रहा था ना? नहीं, भागने का मन कर रहा था। आओ भाग के देखते हैं, आ जाओ इधर आओ, चलो आ जाओ। ओके, तो यहां से वहां तक भागते हैं जो पहले भागा। ओके, काउंट काउंट मैं दे रहा हूँ। तो दुती ऐसे इधर आइए, कहाँ तक जाना है हमें? जो वो स्पीकर दिख रहा है ना आपको, ये जो पड़ा है यहाँ तक जाना। मैं चीटिंग करके भी नहीं जीत पाया, इतना इजी नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आप जीत गए। एक स्टार्टिंग का सिखाएंगे ब्लॉक में, कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं। जब वो फाइनल में जाते हैं हम, तो ऑन योर मार्क बोलते हैं। ऑन योर मार्क्स, तो उस टाइम में बॉडी और माइंड को पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्लॉक में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फाउल करके निकल देते हैं। वो जो लेन्स बनी होती है उसी में भागना, उसी लेन में जाना है। अच्छा। और लेन से इधर उधर भी नहीं होना, किसी को टच भी नहीं करना। अच्छा जी। और गोन आवाज से पहले आप निकल जाए तो फिर निकाल देते, तो गोन की आवाज के हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा। तो सोचा अब ऐसे क्लैप करना, मैं उसी हिसाब से निकलेंगे। ओके, ऑन योर मार्क्स सेट। क्या बात है भाई, यू नो ब्यूटी इन मोशन। आपको देखकर ऐसा लग रहा था कितनी खूबसूरती की चीज दिखाई दे रही है हमको। थैंक यू, रियली ब्यूटी इन मोशन, वंडरफुल। बैचुंग के साथ आपने फुटबॉल खेल लिया, दुति ने भी भाग के दिखा दिया। संदीप पाजी को एक्टिंग का शौक है, हॉकी तो नहीं इधर खेल सकते, पर अगर किसी को डांस वांस का कोई शौक हो, आइए दो, एक दो, चलो सर पाजी आज तो आपकी लॉटरी लग गई। हाँ जी आइए आइए, मैम आइए, दो हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम, आइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम रति शर्मा है। रति? यस, रति शर्मा। रति कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। और आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचिका गिल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्री चीयर्स फॉर हिप हिप हुर्रे, वी ऑल विल से फॉर कपिल। सो स्वीट, थैंक यू, शुक्रिया। अरे बाप रे, ऐसी बातें मत करो। आई एम सॉरी, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, बट मेरे फादर इज अ कैंसर पेशेंट एंड माई मदर इज अ अस्थमा पेशेंट, एंड उन दोनों ने, मैं एक दो साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं हर बारी शो में आती हूँ, मैं कपिल से मिल नहीं पाती हूँ। वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, वी आर थ्री सिस्टर्स, एंड वो हमेशा कहते हैं हमारा चौथा औलाद जो है वो कपिल शर्मा है, जो हमें हंसाता है। कैसे हैं अभी आपके पापा मम्मी? ठीक है? दे आर फाइन। मेरी मॉम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है, मैं दिल्ली से आई हूँ। शी डेली, जब भी उनका एक हंसने का मोमेंट होता है, वो सिर्फ कपिल शर्मा का शो देख कर होता है, रात दिन वो यूट्यूब में बार 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 आपका देखते हैं। मेरे फादर को दो बार ही कैंसर हो चुका है, एंड आई स्वेयर धन्य है वो माँ जिन्होंने आपको जन्मा है, क्योंकि यू आर एक्चुअली ट्रू इंस्पिरेशन फॉर अस। दिल नहीं होता करना। अभी मम्मी कैसी? ठीक है? बस मम्मी को कहो खुश रहा करें। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग हंसते खेलते ठीक हो जाती हैं। मेरे फादर को भी कैंसर की प्रॉब्लम थी, तभी शो नहीं आता था। गॉड ब्लेस। और आपके मम्मी पापा, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। ओके, तो संदीप पाजी आइए। फिल्मों में एक एक हीरोइन होती है, हम आपको दो हीरोइन दिए। देखो भाई, आपको तीन मिली थी। हाँ जी, आपको तीन मिली। आपका बड़ा ध्यान है। वाओ, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू रुचिका, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू रति, तुम्हारे नाम पर एक्चुअली मजा इसने ले लिया डांस। मैं सीख रहा था, बहुत अच्छा करती है रति। आइए आइए रुचिका, आइए रति, थैंक यू। सच्ची बताओ, आज दिल से मैं बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ऐसे लोग अगले आज शो पे जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते, जोरदार ताली हो जाए। हाय दूती जी, कैसे? ठीक है। आपको पता है इस दुनिया में लोगों की तूती बोलती है, आज हमारे शो पे दूती बोल रही है, कितनी बड़ी बात। बैठिए बैठिए, कैसे? हाय भाईचुंग सर, कैसे? गुड गुड। मैं आपको सच्ची बात बोलूं दिल से, मैं जिंदगी में ना बहुत सारी चीजों को बाय चांस देखा है, बाय मिस्टेक देखा है, लेकिन भाई चुंग पहली बार देखा है। हाय संदीप सर, कैसे? हेलो। अरे आप पे क्या बातें बनानी सर, आप पे तो पूरी की पूरी सुरमा बने ली, एक बार जोरदार ताली हो गया। कपू, मैं इन लोग को चैलेंज देने के लिए आई ली आज। क्या क्या चैलेंज देके आई? ये देख बैडमिंटन। लेकिन ये खेलते नहीं बैडमिंटन। हाँ तो इनके गेम में चैलेंज देके मेरे को मरना है क्या? मेरा जो छावाई ना नाला सुपर है, मुकेश, वो मेरे को समझाया था कि इंसान जो चीज में माहिर रहता है ना, उसमें उसको चैलेंज नहीं देने का। अब जैसे हमारी अर्चना जी, ये जिस चीज में माहिर है ना, इनको कोई कभी चैलेंज दे नहीं सकता। कैसे? वैसे अर्चना जी, आप कौन सी चीज में माहिर है? सपना, अर्चना जी से ऐसे बात करते हैं? ऐसे बात करे, तूने ये पंच दिया था मेरे को, पीछे बोला था स्टेज पे आके बोल देना। हाँ मैं सच्ची बोलती हूँ, वो तीन चीज तो मैं बोल नहीं रही क्योंकि हमारा फैमिली शो है। कौन से तीन चीज? इसने बोला था उनको बोल देना आई लव यू ऐसा। बट सच में प्यार, आपका ड्रेस बहुत अच्छा मेरे को लगा, एकदम मड आइलैंड की शहनशाह लग रही है। हाय बाइकिंग सर, कैसे? बस गुड। मैं आपका बहुत देखती है, वो कप रहते ना, फूफा कप। फूफा कप नहीं है, फीफा कप होता है। क्या बात कर रहे हैं? फीफा कप। इस चक्कर में हम लोग नाला सोपारा में चार दर्जन फूफा खर्च कर चुके हैं। ऐसे फूफा के साथ कौन खेलता है? हम लोग खेलते हैं। हम लोग क्या करते, गोल की जगह पे फूफा को खड़ा करते हैं। सच्ची में अगर फूफा को बॉल लगा तो गोल, नहीं लगा तो प्लेयर गोल। ऐसे रहते। अच्छा सर, मेरे को आपको पूछने का था। जी जी। सर आप लोग ऐसा फ्रंट किक मारते हैं, बॉल को साइड किक मारते हैं, लेफ्ट किक मारते हैं, इतना किक मारते बॉल स्टार्ट क्यों नहीं होते? मैं सच्ची बोलती हूँ, पेट्रोल डाल के देखो, हो सकता है स्टार्ट हो जाए। संदीप सर, आपका भी हॉकी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो आदमी कौन है बीच में जो अपना पब्लिसिटी करके अपना ऐसा विजिटिंग कार्ड दिखाते रहते हैं? अबे वो विजिटिंग कार्ड नहीं दिखाता, वो फिर क्या, पेनल्टी दिखाता है, कार्ड दिखाता है, रेफरी होता है वो। पेनल्टी? हाँ।
पेनल्टी कौन पीता है, ग्रीन टी पीने का है तो ब्लैक टी पीने का है। सच्ची में ये प्लेयर लोग कितने फिट रहते मालूम है, ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते है ना। इन आप लोग कैसे रहते ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने का, फिर केक नहीं खाने का, इनको ये नहीं मांगता, इनको वो नहीं मांगता, तो क्या मांगता जूली जूली। आया जूली सर, सॉरी मेरा ना गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है सर। मेरा ना बार बार ऐसे डांस निकल जाता है सर। आपको पता है सर, मेरा जो वो छावा है ना भाईचुंग सर, वो आपके जैसा बहुत फॉरवर्ड खेलता है। चल झूठ बोलती है, मुकेश तो फुटबॉल खेलता ही नहीं है। नहीं नहीं वैसे वाले नहीं, वो दिवाली में जो मैसेज फॉरवर्ड करते ना उसकी बात कर रही है मैं। सर वो मैसेज भेजते ना कि शाम तक 10 लोगों को भेज देना, माता रानी आशीर्वाद देगी। संदीप सर उसको ना हॉकी का भी बहुत शौक है। वो भी हॉकी खेलता है? नहीं खेलता ही नहीं है, मैंने बोला उसको शौक है। उसके क्या पैर बहुत पतले है ना, जब कच्चे में पैर डालता ऐसा लगता है तो हॉकी रखेला है। सर हम लोग का ना उधर नाला सोपारा में डुक्कर वॉशिंग सर्विस है सर, और अभी डुक्कर का स्विमिंग क्लासेस भी चालू किए हैं हम लोगों ने। इतने बड़े प्लेयर बैठे तो क्या डुक्कर की बातें कर रही है? हाँ तो डुक्कर के सामने में मैं बड़े बड़े लोग की बात करती हूँ, डुक्कर कुछ बोलता है क्या? कुछ नहीं बोलता ना। अच्छा दूती जी मेरे को आपको पूछने का था जी। आप ऐसा 100 मीटर में भागते है ना जी। हाँ तो मेरे को 6 मीटर दो ना, मेरे को सूट सिलवाने का था। सब फालतू की बातें कर रही है, टैलेंट दिखा उनको अपना। मेरे पास बहुत टैलेंट है बाइकिंग सर, मेरे बहुत टैलेंटेड भी है मैं। जी जी। मैं ना ऐसा साइकिल के हैंडल के ऊपर बैठ के ऐसा साइकिल चला लेती है, मैं ऐसा खड़े होकर 2 मीटर तक फूंक भी लेती है। सर ये तो कुछ नहीं है, मैं ना नाक से गुब्बारे भी फुलाती हूँ सच्ची में, और वो भी कुछ नहीं है, जिस दिन जुखाम रहता है ना तो ग्रेवी वाले गुब्बारे फुलाती है। सर आप ना मेरे को नाला सुपरा में 2 दिन के लिए लगेंगे। ये क्यों लगेंगे भाई? अरे उधर खंडर है ना तो वो बेचने का है, तो थोड़ा भूतिया मॉल बनाना है, तो इनको लेके जाएगी मैं। सपना होगी तेरी बातें? नहीं बातें अभी हुई नहीं है। मेरा सर पार्लर है, मैं भी काम करती है इधर सपना ब्यूटी पार्लर जी जी। तो हमारे पास बहुत ऐसा ब्यूटी टिप्स रहता है हम लोग के पास में, तो मैं आपको मैम आपको बताएगी आईब्रो सेट कैसे करने का। कैसे करने का? बहुत इजी रहता है उसमें, क्या आप मोबाइल लो और आईब्रो को मैसेज करने, कैसी है तू, क्या चल रहा है तेरा, प्रेशर लाइन विन मार के आई लव यू बोल के सेट करने का। और अगर फिर भी सेट नहीं होती है ना तो 90 ml का 2 पैग उसको देने का, तो पक्का सेट हो जाएगा। इससे आईब्रो सेट हो जाते हैं? अरे ऐसे अर्चना जी ने परमित को सेट कर दिया आईब्रो, क्या चीज है। वैसे आप लोग इतने फिट है, मैं फिटनेस का भी टिप देती है। क्या? अगर आपको अपना पेट जो है वो एकदम अगर छुपाने का है, कम करने का है, तो उसका बहुत अच्छा आइडिया है। मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, आप जिधर बैठे सामने टेबल रख दो। क्यों अर्चना? खैर सर वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो हमारे पास आपके लिए स्पेशल मसाज है गोल मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर का कपड़ा उतार के उसको तेल भी लगाते हैं, फिर उसको लिटा देते हैं, वो जैसे गहरी नींद में सोता है ना उसका कपड़ा और पर्स लेके गोल हो जाते हैं। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है हमारे पास 100 मीटर रेस मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर को तेल लगाते हैं और लाल रंग का कच्छा पहन के ग्राउंड में खड़ा करते हैं, फिर पीछे से एक सांड छोड़ते हैं। अगर सांड ने उसको छोड़ दिया तो उसका मसाज करते हैं, वरना जो करता है सांड करता है। फिर हमारा दूसरा मसाज है सर आपके लिए, फुटबॉल मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़ा उतर के पूरा बॉडी पे तेल लगाते हैं, लेकिन फुट पे जो बाल रहते हैं ना उसका ही मसाज करके छोड़ देते हैं। ऐसे रहता है फुटबॉल। फिर हमारा आपके लिए सर एक और मसाज है, फॉरवर्ड मसाज। अच्छा। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो आगे जाता है, वो दूसरे कस्टमर को तेल लगा के फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं।
हम लोग ऐसा तब तक करते हैं जब तक शाम तक कोई गुड न्यूज नहीं आ जाती तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड के आपके लिए एक और स्पेशल मसाज है क्या बूटिया मसाज तो कैसे होता है उसमें क्या रहता है हम लोग कस्टमर को तेल लगा के अंधेरे में ऐसा लिटा देते हैं फिर अर्चना जी को बिना मेकअप के अंदर भेजते हैं अरे सॉरी सर मेरे को जाना पड़ेगा बहुत जल्द मैं भूल गई थी वो विश्वनाथन है ना चेस वाला उसका आनंद का मसाज करने जाना है मैं चलती है भाई आज हमारी सपना के अंदर का जो कृष्णा है उसका हैप्पी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे भाई केक लेके आओ अरे केक God bless you, bhai. Thank you, Rafael. Thank you so much. एक बार हमारे सभी प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां बैचुंग दुत्ती संदीपा जी आप हमारे देश का गौरव हैं और हमें इतना अच्छा लगा आज आप हमारे शो पे आए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और भविष्य में जितने भी आपके मैचेस होने वाले हैं जितने भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे लगे रहिए और वी आर सो प्राउड ऑफ यू आप कुछ कहना चाह रहे थे आपसे एक ऑटोग्राफ लेना है मेरा दोस्त लोग के लिए आई लव यू सर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़